इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये ट्रिग इंटीग्रल है जिसमें हमें गिवन है लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू 1 n x की पावर n e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। अब देखो मैंने ये कल प्रॉब्लम पोस्ट किया था, अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया। देखो इसको सॉल्व कैसे करना था, ये एक तरह से एक ट्रिग इंटीग्रल है। हम क्या करेंगे, हमें सीरीज एक्सपेंशन याद होने चाहिए कुछ स्पेशल फंक्शनों के। हमें पता है देखो e की पावर x, अगर इसका मैं एक्सपेंशन लिखता हूं तो क्या होता है, सभी को याद होगा x k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, ये सभी को याद होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर है, तो इस पूरे क्वेश्चन में मैं x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस कर दूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का बन जाएगा, क्योंकि मुझे e की पावर x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो रिप्लेस x बाय x स्क्वायर, देन ये किस टाइप का दिखेगा, जहां जहां पे x है वहां को मैं क्या लिख दूंगा, x स्क्वायर k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x की जगह x स्क्वायर लिख दूंगा मैं अपॉन k फैक्टोरियल हो जाएगा, तो पावर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर आती है, तो e की पावर x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर 2 के लिख लूंगा अपॉन k फैक्टोरियल। ठीक, इस वाली वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस इंटीग्रल में यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 टू 1 n x की पावर n, तो ये कितना आ जाएगा, समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर, ये हो जाएगा 2k अपॉन k फैक्टोरियल dx। अब देखो इंटीग्रल क्या है, ये k फैक्टोरियल समीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बाहर निकाल दो इसको इंटीग्रल से, तो समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी को मैं बाहर ले आया, 0 टू 1 n x की पावर n, अंदर क्या बचेगा x की पावर 2k, अपॉन k फैक्टोरियल dx, x की पावर n, x की पावर 2k, तो इनका बेस सेम है, तो मैं इनको दोनों पावर को इसकी ऐड कर सकता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n अपॉन k फैक्टोरियल, x की पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 2k, n प्लस 2k हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे n अपॉन k फैक्टोरियल पे अगेन डिपेंड नहीं कर रहा, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n अपॉन k फैक्टोरियल 0 टू 1 x की पावर n प्लस 2k dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, आसान है मेरे लिए, केवल x का करना, x की पावर कुछ भी हो उसमें 1 ऐड हो जाता है, क्या कहता है हमारा फॉर्मूला, x की पावर n का क्या होता था, वहां पे यहाँ पे n की जगह n प्लस k, अगर x की पावर n का वहां पे फॉर्मूले में क्या पढ़ते थे, क्या होता था, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे n क्या है हमारा, n प्लस 2k, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रल किसमें रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समीशन k इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n अपॉन k फैक्टोरियल, तो इसके ये हो जाएगा जो भी पावर उसमें एक ऐड हो जाती है, डिवाइड बाय सेम n प्लस 2k प्लस 1, तो इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू 1, तो मैं इस लिमिट को लगा देता हूं, ये मेरा कितना बन जाएगा,
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन के इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एन अपॉन के फैक्टोरियल एक्स के, एक्स ही ये लगानी है तो वन की पावर एन प्लस टू के प्लस वन हो जाएगा माइनस जीरो की पावर नीचे ये वो भी है एन प्लस टू के प्लस वन, जीरो की पावर एन प्लस टू के प्लस वन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एन प्लस टू के प्लस वन हो जाएगा। तो वन की पावर कुछ भी हो वन ही आने वाला, जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर कुछ भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से केवल क्या बचेगा, डिनोमिनेटर बचेगा वन अपॉन एन प्लस टू के। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समीशन के इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी कितना बचा, केवल एन अपॉन के फैक्टोरियल और एन प्लस टू के प्लस वन। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब मैं क्या करता हूं, पहले लिमिट लगा लेता हूं, उसके बाद जो के पर डिपेंडेंट रह जाएगा केवल ये समीशन, देन के लिए सोल्व कर ले। तो ये कितना हो जाएगा, के इक्वल्स टू जीरो टू इंफिनिटी, पहले मैं लिमिट लगा लेता हूं, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन अपॉन के फैक्टोरियल एन प्लस टू के प्लस वन। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एन की जो डिग्री है सेम है, तो क्या करूंगा डिवाइड, यहां से देखो एन की जब लिमिट इनफाइनाइट आती है तो कैसे सोल्व करते हैं, अगर डिग्री सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो आसानी से हो जाता है, तो क्या करेंगे बाय सेम डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, यानी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन के इक्वल्स टू इंफिनिटी एन से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऊपर n बाय n हो जाएगा 1, k फैक्टोरियल n को n से डिवाइड किया हो गया 1, है ना। यहाँ पे मैं देखो डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, एक बार बता दूं, इसको n से सारे टर्मों को n से, तो यहां से हो जाएगा 2k अपॉन n और यहां से बचेगा 1 अपॉन n। अब मैं क्या करता हूँ, n की लिमिट लगा देता हूँ, जब तक डिनोमिनेटर में वन अपॉन या टू अपॉन किसी कांस्टेंट अपॉन एन के फॉर्म में ना हो एन, तब तक एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, उसे नहीं लगाते। तो बस यहां से इसको सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू लगा दो इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा, के फैक्टोरियल वन अपॉन टू के अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी, किसी कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट आता है केवल के की वैल्यू जीरो को छोड़ के, तो क्या होता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये दोनों टर्म जो क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, तो यहां से केवल वन बचेगा, तो हमारा जो केवल चीज बची क्या बची, वन अपॉन के फैक्टोरियल बचेगा केवल, ठीक है, क्योंकि यहां से ये वन बचेगा, टू के अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी भी जीरो हो जाएगा। अब इस वन अपॉन के फैक्टोरियल का तो कैसे सोल्व करेंगे, अगेन याद करो अभी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था मैंने, e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, समीशन k इक्वल्स टू 0 x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल होता है, इसी फॉर्मूले में x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला किस टाइप का हो जाएगा, e की पावर 1, 1 की पावर k 1 ही रहने वाला, ठीक है, वन की पावर के, वन की पावर कुछ ही हो वन आएगा, तो समीशन के इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिटी वन अपॉन के फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, e की पावर 1 यानी e, तो इसका आंसर कितना आ गया केवल e, ठीक है, इसका जिसकी वैल्यू कितनी होती है अगर उसमें पूछा जाए तो 2.718 के इक्वल, 2.718 या फिर आंसर होगा e, केवल e देख सकते हैं, e ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, अगर वैसे पूछा है आंसर तो लिखेंगे डेसिमल में निकाल कर दे देंगे, ठीक है, फिलहाल हमें लगता है आंसर ई, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया केवल ई। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना होगा, जो इंटीग्रेशन और समीशन दे रखा था सबका आंसर कितना वाले आने वाला ई। देखो काफी ट्रिकी था, एक बार स्टार्ट किए, पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया हमने, ई की पावर एक्स उसमें पुट कर दिया, देन इंटीग्रेशन करा और उसके बाद लिमिट लगा दिए, बस यही करना था और कुछ नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया e। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।